हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है कौन है वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं, आज खड़ी हमारे साथ यामाहा के FZS V4, जो कि ये कलर देख रहे हैं ना, ये पूरी मैट ग्रीन कलर में अभी न्यू लॉन्च हुई है। तो इसी का आज मैं आपको टोटल रिव्यू देने वाला हूँ, क्या प्राइस पड़ेगा, क्या माइलेज देगी, क्या क्या फीचर्स एड ऑन कर दिया गया और क्या क्या माइलेज दे रही है। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ। तो मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मुझे अभी तक आपने इंस्टा में फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट, आप भी एक स्टूडेंट हो और आप भी जो है पैसा अर्न करना चाहते हैं मेरी तरह, तो मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ विन ऐप गेम। जो है इसमें जो है टोटल आपको 800 से भी ज़्यादा गेम आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है और लकी वेट्स वगैरह सारा इसमें आपको मिल जाता है। मैं आपको जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके डाउनलोड कीजिएगा और प्रोमो कोड मेरा यूज कीजिएगा RP0001, तो आपको 500% का बोनस मिल जाएगा मेरी तरफ से। और इसमें आपको टोटल जो है मिनिमम 300 डिपॉजिट करनी पड़ती है, जिससे कि 300 से आप ज़्यादा भी डिपॉजिट कर सकते हैं और 300 से लेकर आप 3 लाख तक इस पे आप अर्न कर सकते हैं। डिपॉजिट वालों को आपको गिव अवे भी मेरी तरफ से आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं और डिपॉजिट करते हैं तो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना ना भूलिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि प्लेयर आईडी वहां पे आप मेंशन जरूर कीजिएगा। तो जाइए, आप मेरे प्रोमो कोड यूज करके RP0001 करके आप उसे डाउनलोड कीजिए। रजिस्ट्रेशन लिंक आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दिया हूँ, और जाइए लाखों रुपया आप छापिए मेरी तरह। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको यामाहा का छोटा सा लोगो दिया गया है। टर्न इंडिकेटर जो दिया गया है वो आपको LED में ही मिलती है। यहाँ पे जो हेडलाइट आपको मिलती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों साइड आपको LED DRL का ऑप्शन मिल जाता है। और हेडलाइट जो दिया गया है LED सेटअप के साथ, हाई बीम और लो बीम दोनों इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और इसकी मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया है। इस साइड आप जैसे कि देख सकते हैं, हेडलाइट कोल जो दिया गया पूरी आपको मैट फिनिश के साथ यहाँ पे दिया गया है। मडगार्ड जो है आपको सिंगल टोन में पूरी मैट ब्लैक कलर में दिया गया है। और यहाँ पे आपको सस्पेंशन पे ही यामाहा का आपको यहाँ पे स्टिकरिंग का यूज किया गया है, जो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें जो है फ्रंट ब्रेक डायमीटर जो है 282 mm का आपको मिल जाता है, जो कि 180 का टायर साइज और 17 इंच का आपको एलॉय व्हील मिल जाता है। जो है इसकी कलर जो है पूरी पैरोट ग्रीन टाइप में दिया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी बेटर लग रही है। और इसमें जो है आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, जो कि बाइब्री के यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स आपको यूज किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं बात करूँ इसकी टैंक की, तो टैंक जो है आपको 30 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि पूरी यहाँ पे आपको मिडल पे पूरी ब्लैक एंड फिनिश का यूज किया गया है। और ब्लू कोर का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। और E20 यानी कि 20% इथनॉल और 80% पेट्रोल मिक्स रहती है, वही E20 कहलाता है। यहाँ पे आपको यामाहा का लोगो मिल जाता है, जो कि पूरी रबड़ पेस्टिंग के साथ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, FZS वर्सन 4.0 आपको लिखी हुई पूरी आपको 3D में देखने को मिल जाता है, जो कि ये कलर जो है ना, ग्रीन कलर, मैट ग्रीन, ये पूरी दिखने में काफ़ी प्रीमियम लग रही है और काफ़ी बल्कि हैवी लुक ये दे रही है। यहाँ पर पूरी आप जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पे पूरी पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी क्रोम फिनिश का यूज किया गया है, जो दिखने में काफ़ी बेटर लग रही है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, पूरी आपको सिंपल में मिल जाता है, कहीं पर भी आपको स्टिच नहीं किया गया है। यहाँ पे इंजन पे यामाहा का पूरी बैचिंग दे दिया गया है। इंजन का कोल जो कि पूरी ब्लैक एंड फिनिश के साथ यहाँ मिल जाता है। ब्रेक लीवर जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी यहाँ पे यूज किया गया है। टर्नेबल आपको फुटेज मिल जाता है, पिनियल फुटेज जो है एलुमिनियम में आपको यहाँ पे टर्नेबल दिया गया है। साइलेंसर की मैं बात करूँ तो काफ़ी छोटी सी साइलेंसर आपको मिल जाता है, जो कि इसकी एक्सो साउंड भी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ। और इसका जो गार्ड है वो पूरी आपको फाइबर बॉडी के साथ यहाँ पे मिल जाता है। रियर सस्पेंशन जो है आपको मोनोसोक्स रियर सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि ब्लैक एंड कलर में यहाँ पे दिया गया है। अब मैं बात करूँ इसकी सीट की, तो सीट जो है आपको 790 mm का सीट हाइट के साथ ये पूरी आती है, जो कि इसकी सीट की कसन वगैरह जो है ना, काफ़ी कंफर्टेबल है। 2 से 3 लोग आराम से इस पे बैठ सकते हैं और आराम से इसे राइड कर सकते हैं, जिससे कि बैग में बिल्कुल भी पेन नहीं होगी। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, इसकी ग्रे बैंडल जो है आपको सिंगल ग्रे बैंडल मिल जाता है, जो कि पूरी मैट एंड फिनिश के साथ है, तो जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और इसकी मैं बात करूँ रियर टायर की, 140 का आपको टायर साइज मिल जाता है, जो कि 17 इंच एलॉय व्हील के साथ आती है। और सीएट कंपनी का यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है, जो कि रेडियल टायर यहाँ पे दिया गया है। और 220 mm का आपको रियर ब्रेक डायमीटर मिल जाता है। और इसमें आपको ABS का प्लेट नहीं मिलता है, इसमें जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का प्लेट यहाँ पे दे दिया गया है। तो आइए अब इसकी रियर की बात करते हैं। तो रियर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिल जाता है,
मीटर की छोटी सी लाइट जो कि हैलोजन में दिया गया है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है एलईडी में, रेड कलर का रिफ्लेक्टर दिया गया है, नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है और दोनों साइड आपको येलो कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको टायर हगर यहाँ पे दे दिया गया है पूरी फाइबर बॉडी में। यहाँ पे जो है आपको सायाडी गार्ड का ऑप्शन मिल जाता है जो कि पूरी मेटल बॉडी में यहाँ पे दिया गया है। टर्नेबल फुटरेस्ट जो है ये भी आपको पूरी एल्युमिनियम में दे दिया गया है। और यहाँ पे जो लेडीज फुटरेस्ट लगती है वो आपको आफ्टर मार्केट लगानी पड़ेगी। और ये जो चैन कवर दिया गया है वो आपको हाफ चैन कवर मिल जाता है जो कि पूरी स्पोर्टी लुक में फील देती है। यहाँ पे गियरबॉक्स दिया गया है वो 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स आपको मिल जाता है और साइड स्टैंड कटऑफ सेंसर के साथ ये पूरी आती है। और ये सब इंजन कॉइल वगैरह सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी आपको यहाँ पे सिंपल में दे दिया गया है। इसकी मैं आप मीटर कंसोल की बात करूँ तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हाई बॉडी लिखी हुई आई और यहाँ पे आपको आरपीएम का मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फ्यूल की इंडिकेशन बताती है, टाइमिंग बताता है, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर सारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आपको दो बटन मिल जाता है टॉगल करने के लिए, जैसे कि मैं एक बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको किलोमीटर वगैरह एवरेज कितना दे रही है यहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा। TCS यानी कि यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, वही ऑन है वो बता रही है। ओडोमीटर ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप एफ सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको और एक बटन मिलता है जिससे कि आप यहाँ पे क्लॉक वगैरह यानी कि टाइमिंग वगैरह आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ABS सिंगल चैनल का ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ पे पास लाइट का, टर्न इंडिकेटर का, यहाँ पे न्यूट्रल का दिया गया है और TCS वगैरह सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे कॉल अलर्ट मैसेज अलर्ट, बैटरी, फोन की बैटरी कितनी बची हुई है इंडिकेट कर देती है अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो। नेविगेट वगैरह सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और इसकी की की मैं बात करूँ कि नॉर्मल सा की आपको यहाँ पे यामाहा की तरफ से ऑफर किया जाता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। टैंक के जस्ट फ्रंट पे यहाँ पे आपको की डालने का की स्लॉट यहाँ पे दे दिया गया है। हैंडल बार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, पास लाइट एक ही में मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर दिया गया है और आ जाता है। और इसकी जो क्लच है काफ़ी लाइट क्लच यहाँ पे आपको मिल जाता है। राइट प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इंजन किल स्विच का ऑप्शन मिल जाता है और ये पावर स्टार्ट आ जाती है। सो गाइस आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं बात करूँ इसके इंजन के तो इंजन जो है 149.7 सीसी का आपको इंजन मिलता है जो कि पावर 12.2 पीएस का पावर और 13.2 न्यूटन मीटर के या टॉर्क आराम से निकाल कर दे देती है जो कि सिंगल सिलेंडर 4 वेल्व के साथ ये आती है इसकी इंजन। और जो इसकी मैं माइलेज की बात करूँ तो माइलेज जो है ये 50-55 किलोमीटर का माइलेज ये आराम से आपको निकाल कर दे देगी। और इसका जो टॉप स्पीड है वो 120 से 125 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये टॉप स्पीड आपको दे देगी। तो इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड पड़ेगा 1,57,700 रुपये आपको ऑन रोड पड़ जाएगा, यानी कि 1,57,700 रुपीस आपको इस गाड़ी का ऑन रोड पड़ जाएगा। थैंक्स टू फ्रेंड्स मोटर कोंकर रांची मुझे बाइक प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप कोई भी यामाहा के बाइक या स्कूटी वगैरह आप लेना चाहते हैं तो इनसे अगर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ, तो जाइए एक बार आप कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइस, बाय।